और प्रोड्यूसर हैं असलम खान, जो ग्वालियर से ही हैं। ग्वालियर के ही सब्जेक्ट पर मूवी बनाने जा रहे हैं, डकैतों पर, जो कि उससे पहले बहुत मूवीज़ बनी हैं, जो कि सलमान खान के डैडी सलीम खान साहब ने बनाई थी, शोले मूवी। फिर से ये मूवी बन रही है डकैतों के ऊपर, जिसमें मुझे गाना गाने का, आइटम सॉन्ग का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। मज़े की बात तो यह है कि मैं भी ग्वालियर से हूँ, तो मुझे उधर के सारे हालात पता है। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि मैं ग्वालियर में ही पहुँच गई, और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं सीने से जिसके सट जाऊं मैं, सीने से जिसके सट जाऊं मैं, आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कोशिश की है अच्छा गाने की, बाकी आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और आप लोग सब दुआ करिए कि हमारा काम कंप्लीट हो, मूवीज़ जो बनने जा रही है जल्दी कंप्लीट हो और मार्केट में आए। आप लोगों का सबका आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, अच्छा काम करें, अच्छा गाना गाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप करें अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम इरफान रजा खान है, और जैसा कि आपने काफ़ी सीरियल देखे होंगे मेरे, और कुछ फिल्में भी रिलीज़ हैं। नवाज भाई के साथ मैंने एक लड़की चाहिए, लतीफ़, द पावर ऑफ वर्दी, और अभी 5 जुलाई को अपनी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, वन डे जस्टिस डिलीवर्ड, ईशा गुप्ता, अनुपम खेर एंड कुमुद मिश्रा। आप लोग ज़रूर जाइएगा देखने। और सबसे हिट शो था मेरा पवित्र रिश्ता, लास्ट शो मैंने टीवी छोड़ा फिर मैंने, और उसके बाद मेरा लास्ट शो था देखा है ख्वाब सोनी पे। बाकी कमर्शियल एड भी मैंने किए हुए हैं। जी जी, ये एक फिल्म है MP06 जो चंबल बेस्ड है, और बहुत जल्द हम लोग इस फिल्म की शूट के लिए वहाँ जाने वाले हैं। आज गाने की रिकॉर्डिंग है, आज से शुरुआत हुई है इसकी, और हम दुआ करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे और जल्दी से फ्लोर पर जाए। मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वन ऑफ द लीड है, जो बाकी डिटेल तो मैं, आप मूवी देखिएगा तब पता चलेगा आपको। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म के अंदर। ये फिल्म जो है डाकुओं की पृष्ठभूमि पे बन रही है, और प्रोबेबली इसमें डाकुओं का पूरा खेल है, ये पिंड मुरैना और ग्वालियर साइड का। तो इसमें गाना है जो युगल गीत है, जो राजवी खान ने और मैंने गाया है मिलके, और हम उसी रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ आए हुए थे। तो अभी जस्ट अभी गाना मैंने गा के उसे ख़त्म किया, सुना, और सबको अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। इकबाल सरगम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत दुआएं दी। और इस फिल्म के जो हमारे प्रोड्यूसर हैं असलम भाई, उन्होंने मुझे इस फिल्म में गाने की दावत दी थी। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मैं डाकू हूँ और वो नाच रही है, और उसके बाद फिर मैं उसका सपोर्ट में बीच में आके गाने गाता हूँ। तो मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया वैसे कि मैं एक डाकू हूँ जो गा रहा है, तो और जो गाने का शौकीन भी है, तो उसमें उसने एक एक, एक, एक अंतरा उसमें मैंने भी गाया जो डाकू ही था एक्चुअली इसमें फिल्म में। अच्छा लगा मुझे, लेकिन गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और गाते वक्त बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं प्रोफेशनली गा नहीं रहा हूँ, मैं बेसिकली एक्टर हूँ और शायद इस फिल्म में काम भी करने वाला हूँ, और मैं वॉइसिंग, डबिंग और एक्टिंग ज़्यादा करता हूँ। गाने का शौक मुझे शुरू से था, गाना मैंने स्टेज पे बहुत गाया है, मैं हाफ ऑफ द वर्ल्ड में मैंने शोज़ किए हैं, काफ़ी स्टेज पे शोज़ किए हैं। पहले एक फिल्म आई थी तो उसमें मैंने गाया था, तो इस बार मुझे जिसने बुलाया प्यार से और मैं चला आया, और गाने में लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया,
15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर गाना हो गया। देखिए मुझे आवाज़ से तो शुरू से ही बचपन से ही प्यार था, क्योंकि आवाज़ पहले मैं बचपन से जब गाता था तो शौक क्या गाता था, फिर स्टेज शोज़ भी किए, साथ में पढ़ाई भी करते थे और थिएटर भी करते थे। लेकिन यहाँ जब मैं बॉम्बे जब आया तो बड़ी जद्दोजहद है इस फील्ड की, तो अब हर तरफ नहीं कर सकता था, तो शुरू में कोशिश किया, बहुत अच्छे कुछ गीत भी रिकॉर्ड किए, लेकिन बड़ा पता नहीं मुश्किल सा था। ये सब आई थिंक खेल भाग्य का है सारा, हुई है वही जो राम रची राखा, भाग्य में जो होता है वही होता है। आज मैंने कोशिश भी नहीं की और मुझे उन्होंने बुला के गवाया और गाना अच्छा भी हुआ, मुझे भी अच्छा लगा और सबको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने एक फिल्म की डॉन नंबर वन एक फिल्म आई थी जो थिएटर रिलीज के लिए थी, साउथ की तेलुगु फिल्म थी, तो उसमें मुझे केली दोरजी की डबिंग के लिए उन्होंने बुलाया था, और केली वो थिएटर के लिए उन्होंने डब वाली फिल्म थिएटर में रिलीज करनी थी। उसकी फिल्म में जब मैंने केली की डबिंग की तो सब लोगों को बहुत पसंद आया, वो तकरीबन सेट मैक्स पे कई बार चल हज़ारों बार चल चुकी है, और उस वो फिल्म भी इतनी बेहतरीन थी कि उसे मैंने अपनी एक अलग स्टाइल और एक अंदाज़ दिया उस डबिंग को। अगर आप भी कभी देखें तो बड़ी स्टाइलाइज थी। केली दोरजी को बहुत अच्छा लगा था, वो मुझे ढूंढ रहा था अपने प्रीमियर पे, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन था उस वक्त। लेकिन मैंने कई फिल्मों में डबिंग की है, साउथ की फिल्मों में, मैंने इंग्लिश में महाभारत किया है, मतलब कई ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म डबिंग की है जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। डबिंग को मैं प्रोफेशन तो है ही, लेकिन ये मेरा पैशन भी है, बहुत मैं मज़ा करता हूँ, कई तरह की डबिंग्स करता रहता हूँ। और एक्टिंग में फिल्में करना है तो अभी मेरी फिल्म एक इंडियाज़ मोस्ट वांटेड रिलीज़ हुई, जिसमें मैं ISI चीफ बना हूँ पाकिस्तान की तरफ का, और उसमें वो छोटा सा ही किरदार था, लेकिन काम करने में बहुत मज़ा आया, और डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता के साथ में भी बहुत मज़ा आया काम करके, उन्होंने बहुत मुझे सराहा, बहुत प्यार दिया, मुझे भी वो एक जीनियस डायरेक्टर लगे, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उनके साथ काम करूँ। और जिस तरह का काम अब तो मैं उस उम्र के उस पड़ाव पे हूँ कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से बुलाता है मैं चला जाता हूँ, काम अच्छा करके आता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं रह जानी चाहिए। जब तक वो उनको पसंद है, मैं खुद का सेल्फ क्रिटिकल आदमी हूँ, मैं खुद की तनकीद और अपनी नुक्ताचीनी खुद ही करता हूँ, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये अच्छा हुआ है, मैं तब तक स्टूडियो छोड़ता नहीं हूँ। और एक्टिंग में भी ऐसा सीरियल वगैरह का उतना इंटरेस्ट रहा नहीं, वो सुबह से रात तक का होता है। फिल्में करना चाहता हूँ, और इस तरह से अगर कभी कभी मौका मिले गाना चाहता हूँ, और डबिंग तो चलती रहती है, कुछ ना कुछ रोज चलता रहता है। दुआएं हैं आपकी। ऐसे कई आवाज जैसे राजा उराम की जी मैंने भी कई एक सीरियल की शुरुआत में वो कुछ उनका शॉट था जो मॉन्टाज था, उसके लिए मैंने आवाज़ दी है। एक फिल्म बनी, एक धार्मिक फिल्म भी बनी थी, एक कोई बनी थी उसकी शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी वॉइस जैसे लगान में अमित जी की थी, तो इस तरह से मैंने भी कुछ फिल्मों के लिए कुछ सीरियल्स के लिए अपनी इंट्रोडक्टरी वॉइस दी है शुरुआत में, तो ऐसे काम मैंने किए हैं। और मैंने जैसे कहा ना, मैं पैशनेट हूँ बहुत बहुत दिल से, मैं उसे प्रोफेशन तो कम पैशन ज़्यादा मानता हूँ, और बहुत दिल से करता हूँ। जब तक मतलब खुद को संतुष्टि ना मुझे मिलती है तब तक मैं बाहर आना नहीं चाहता हूँ स्टूडियो से, माइक बस हमेशा मेरी इज्जत रख लेती है। जी मैं मेरा नाम आदित्य है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और लिखा भी है फिल्म में, तो बस आज हमारी इस गाने की पहले गाने की रिकॉर्डिंग थी, तो उस सिलसिले में सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत अच्छा गाना लिखा है और बहुत ही अच्छा गाया है, जो फिल्म से एकदम मैच करता है, हमारी थीम से मैच करता है। एक आइटम सॉन्ग है फिल्म में, गाने तो 3-4 हैं बट अभी हमने शुरुआत करी है आइटम सॉन्ग से, तो जिसको गाया है एक हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर है राजवी खान जी ने, और बहुत ही अच्छा गाना गाया माशाल्लाह उन्होंने, और भी हमारे गानों की रिकॉर्डिंग होनी है अभी आने वाले टाइम में, और सारी चीज़ें होनी है, तो हम लोग बहुत हमारा बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा काम किया सब, म्यूज़िक में बहुत अच्छा हुआ है, हमारे डायरेक्टर इकबाल साहब हैं, बहुत ही अच्छा मैंने म्यूज़िक बनाया है, एकदम फिल्म की थीम से मैच होता है वो, तो
बस यही है कि चीज़ अच्छी होगी और आगे भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। मूवी में चार गाने हैं बेसिकली, जिसमें से हम यूज़ करने वाले हैं तीन सॉन्ग्स जो ऑन स्क्रीन होंगे और बाकी चार सॉन्ग्स हैं टोटल। और शूटिंग देखिए ऐसा कोई हमारा फिक्स नहीं है कि हमें कब करना, बट हमारा टेंटिवली डिसाइडेड है कि हम जाड़ों के शुरू में करेंगे, सर्दियों के शुरू में, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम गर्मी है तो क्योंकि हमारे पूरा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वहाँ उसको उस तरह से करें, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दियों में भी नहीं कर सकते, तो हमारे लिए जो एक एवरेज मौसम लग रहा है वो लग रहा है नवंबर के स्टार्टिंग में। तो और डिपेंड करता है कि हमारा पेपर कितना कम्प्लीट हुआ है, क्या तैयारी हमारी है, उस पर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। तो जब हमारी सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तो हम इंशाल्लाह। सर लोकेशन की बात की जाए तो सर लोकेशन क्या क्या रहेगी, कहाँ कहाँ करेंगे? लोकेशन देखिए हमारी मेनली एमपी में है, एमपी में भी हमारा जो ग्वालियर का एरिया आता है और चंबल साइड का जो आउटर है वो सारा एरिया कवर करेंगे क्योंकि हमारी फिल्म की थीम वही है। सर फिल्मों की बात की जाए तो सर हर तरह की फिल्म बनती है, जैसे शोले आई थी उस टाइम पे तो बहुत सुपर हिट रही थी, और आपकी मूवी में ऐसा क्या मसाला है जो ऑडियंस देखेंगे, क्या सीन है आप बताएं? देखिए जैसा कि टाइटल से आपको लग रहा होगा कि राइफल MP06 तो ये कुछ डाकुओं से रिलेटेड फिल्म है, लेकिन वो क्या रिलेटेड फिल्म है इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि डाकुओं के इतिहास पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं, ये फिल्म जो बनने जा रही है ये चीज़ों को रीडिफाइन कर देगी, उस जॉनर को रीडिफाइन कर देगी जो डाकुओं का जॉनर रहा है। चंबल में अब तक जो चीज़ें रही हैं डाकुओं के बारे में बताई गई हैं, सुनाई गई हैं, दिखाई गई हैं, ये उसका समझ लीजिए कि अनदर वर्जन है, नेक्स्ट लेवल है ये। नाम बताइए। मेरा नाम असलम खान है। सर इस फिल्म में कैसे बनाए आप? ये फिल्म का मैं प्रोड्यूसर हूँ। तो ये आपकी मेन बड़ी फिल्म है जो कंप्लीट प्रोड्यूसर वाली है? जी नहीं, इससे पहले मैं एक छोटी मूवी कर चुका हूँ, रीजनल मूवी राजस्थानी भाषा में, जिसका नाम था जाग उठी मेवा। उसमें सब लोकल आर्टिस्ट वहीं के लिया था मैंने, राजस्थान के, और वो किया था। वेरी गुड। जैसा कि गाना हमने सुना अभी कि कुछ बड़ा हैपनिंग टाइप का गाना है, तो आई थिंक ये शायद टाइटल सॉन्ग आपकी फिल्म का है? जी मेरी फिल्म का ये बहुत मेन आइटम सॉन्ग है और उसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। टोटल कितने गाने हैं? टोटल फिल्म में गाने ऐसे तो 5 हैं, लेकिन मेन आइटम सॉन्ग है और एक टाइटल सॉन्ग है, और डकैतों के ऊपर फिल्म है तो उस हिसाब से। अच्छा, डकैतों के ऊपर तो फिल्म काफ़ी बन चुकी है, इसमें आपके साथ क्या डिफरेंस है? इस ऐसे तो बहुत बनी है, इसमें डिफरेंस ये है कि मेरी फिल्म में घोड़े यूज नहीं है, और सब जो चंबल के अंदर जैसे रियल डकैत कैसे रहते थे उनके ऊपर आधारित है ये। अच्छा, कि वो चंबल में वो क्या करते थे, कैसे रहते थे और किससे मिलते थे, उनका सब ये चंबल की रेखी है, जैसे कि चंबल का सम्मेलन, डाकुओं का सम्मेलन, वो इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मैंने म्यूजिक के लिए स्टार्ट किया है, और आगे जब स्टार्ट करूँगा तो अभी अगले महीने तक मेरा सब फाइनल हो जाएगा। अच्छा, कास्टिंग सब्जेक्ट के हिसाब से कास्टिंग करना है। डायरेक्टर है मेरे आरिफ अहमद खान। नहीं, कास्टिंग मैंने अभी पूरी टेक्निकल टीम को कास्ट किया है, और क्योंकि मैं भी खुद एक टेक्नीशियन हूँ, इसके लिए मैं अपने हिसाब से इस काम को अंजाम देना चाहता हूँ। तो असलम जी एक बार आप लास्ट में कहेंगे कि दर्शकों के लिए कुछ कहेंगे हमारे फिल्म के बारे में, क्या वो फिल्म खुद देखें आपकी? दर्शकों से मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि जब मैं ये पिक्चर पूरी बना दूंगा तो देखने एक बार देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि इसमें हजारों फिल्में बनी होंगी मेरे ख्याल से डकैती फिल्म, लेकिन इसमें सबसे हटके क्वालिटी दे रहा हूं मैं। क्वालिटी मीन्स जैसे कि अलग चीज़ है वो, हर इसमें जो सीक्वेंसेज हैं वो ऐसे हैं कि किसी भी डाकू फिल्म में आज तक आए नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छे एक्शन फिल्में की जा सकती है। अब ये तो जब बन जाएगी, जब ऑडियंस ही फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्म के लिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा फर्रुख आबिदी नाम है, और मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है प्रोड्यूसर असलम खान साहब के साथ, एक पहला तजुर्बा है। कोशिश की जा रही है कि बेहतर से बेहतर जो है तो
देख दर्शकों को जो है तो कोई अच्छी फिल्म हम जो है तो दे सकें। इस फिल्म की खासियत ये है कि ये फिल्म जिस पस मंज़र में बनाई गई है उसमें काफ़ी लोगों ने बहुत सारी जो है तो अपनी किस्मत आजमाई की है और लोगों ने जो है तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है तो कोशिश की है, अपनी मेहनतें और उनकी जो है तो लगन और काविशें बहुत ज़्यादा डाली हैं। लेकिन असलम खान के जो थॉट्स थे, असलम खान के एक अरमान थे, क्योंकि असलम खान बजाते खुद जो है उसी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और असलम खान साहब का एक अरमान था कि उस इलाके के अंदर वो पैदा हुए हैं और वहाँ के एटमॉस्फेयर को बखूबी जानते हैं, जिसकी वजह से असलम खान साहब का एक अरमान था कि भाई मैं असल जो डाकुओं की लाइफ की जो ज़िंदगी है, असलम खान साहब की जो उनका अपना ऑब्जर्वेशन जो है इस फिल्म के बारे में, और उस तरीके से असलम खान साहब ने जो ऑब्ज़र्व किया हुआ है पूरी ज़िंदगी डकैतों और वहाँ के बीहड़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा जानते हैं, और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर रियलिटी इसके अंदर इस फिल्म में डाली जाए और इस फिल्म के अंदर वो सारी चीज़ें जो आज तक जितने भी डायरेक्टरों ने या बेहतर से बेहतर कोशिश की है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बनावटी होती है, लेकिन इन्होंने रियलिटी को जो है तो बहुत ज़्यादा अहमियत दी है और उन्होंने पूरी कोशिश की है असलम खान साहब ने कि इस फिल्म के अंदर मैं हकीकत जो है जो असल ज़िंदगी डकैतों की होती है असलम खान साहब ने पूरी कोशिश की है कि वो पब्लिक के सामने लाया जाए ताकि लोगों को पता चले कि किन सरकमस्टेंसेस के अंदर डकैत बनते हैं और किन हालात से वो गुजरते हैं और उन पर क्या बीतती है और कैसे एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वहाँ पर और क्या हालात होते हैं। असलम खान साहब ने ये सब चीज़ें डाली हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने एक सवाल में ही सारे सवालों को जवाब दे दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएं, इसलिए कि आपको इसके अंदर और दूसरी फिल्मों से बेहतर मसाला, बेहतर दिलचस्पी और आपका इंटरटेनमेंट बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत।